जय शंकर बाबा लोग, नए दिन नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर, एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कायरा, नित्तू, मम्मी यहाँ पे पीछे बैठे हुए आज अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। एंड बैकग्राउंड से आपको पता लगा होगा मैं अपने वाले रूम में हूँ, पुराने रूम में, यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको देखो, बोल जय शंकर बाबा लोग। शंकर बाबा, नित्तू भी आज घर पे ही है। इसका कॉलेज ना जाने का रीजन है आज बस नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी रात को, तो वो पहाड़ी वगैरह थोड़ी बहुत गिर जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उसी के चलते ये बेचारी आज कॉलेज नहीं गई। पर ठीक है यार, आज मैं जल्दी उठ गया, तो मेरे साथ लड़ने के लिए भी कोई चाहिए था, तो इससे कायरा से लड़ूंगा आज मैं। लड़ेगी मेरे साथ? आजा लड़े। हाँ मारूंगा मैं इसको, देख तेरी मासी को, ये देख, वो देखो कैसे 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 मामू को नहीं मारते पागल। इसको देखो बड़ी चलाक है, जिसके पास खाने के लिए होता है ना उसी के पास चली जाती है। नहीं देना मम्मी इसको। क्यों मेरी बहन को क्यों बोल रही मर जा? नहीं मरती ये, नहीं मरती नहीं। अच्छा मेरा मासी का गाना लाया मैं। अच्छा मैं कैसे मना रही है ये नीतू को? मेरा उल्लू भाई तो देखी मासी। ओह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया। गैर ताली मार के साथ खेल के मैं अपने रूम में आ गया। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे म्यूजिक का थोड़ा प्रैक्टिस, बहुत मेहनत वाला काम होता है यार, सीरियसली मतलब मोटा ही सीन बाबा। ये ट्रिपल आर गैंग आरडीआर, ये गल सीन बाबा, बंद तीन बाबा, ये ट्रिपल आर गैंग आरडीआर ना द बीट, ये गलत 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 सीन बंद देखते हैं। और बाबा लोग सब कह रहे ना ये गलत सीन बाबा। One hour later. तो लोग फाइनली कुछ इस तरीके का बना है आज, देख सकते हो आप। ये ट्रिपल आर गैंग गलत सीन बाबा, बंद तीन बाबा आ गया। ये आड़ी यार ये गलत 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 सीन, बंद तीन देख बहुत आठ ट्रिपल आर टीम। हाँ गलत सीन बाबा, ऐसा है बाबा लोग कुछ बनाया हुआ। अरे बहुत से काम होंगे, मास्टरिंग होगी, ये होगा वो होगा, मतलब ये तो ऐसे मैं पता नहीं क्या क्या पैटर्न बनाता रहता हूँ, देख सकते हो आप। मुझे खासा कुछ पता नहीं है, जो तो प्रोफेशनली बंदे होते हैं उनके तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, बट मेरा कुछ ऐसा ही होता है। देख सकते हो पैटर्न वोटर्न लगाए और बस लगा कि म्यूजिक बन गया, मतलब ऐसे सीखता है बंदा अपनी गलतियों से। जैसे जैसे मेरे को पता लगता जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, तो वैसे ही धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधार के अच्छा अच्छा म्यूजिक भी बनाना सीख जाऊंगा एक दिन। बट फिलहाल मुझे अपने पैटर्न जो सुन के अच्छा लगता है, अपनी मेहनत देख के भी अच्छा लगता है। आपको पता नहीं अच्छा लगता होगा कि नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है यार। सुनो मेरी जान में जो प्यार तेरे नाल, तो निकी निकी गलती की होंदी ना रास, मेरी जान में ये तेरे विच वसदी, लगे तू सोनी जदों गुस्से नाल तकदी, मनी ले मेरी तू जान इक गल, लड़ना में नाल नहीं होना कोई हलचल, गुस्सा तू छड़ मैं थोड़ा मजबूर, तेनू ले होना चूड़ा गुस्सा छड़ दो हजूरी है। ऐसे थोड़ा ये म्यूजिक तो बड़ा अजीब सा है, एंड मैं इस पे लव सॉन्ग गा रहा हूँ, कुछ बना नहीं है, बट फिर भी अच्छा लगा मुझे, करूंगा इसको सुधारने की और कोशिश। अभी टाइम हो रहा है 6:30, एंड मैं जा रहा हूँ खेत में घास लेने। आज बहुत ज्यादा लेट हो गया यार, मम्मी बहुत गालियां देंगी मुझे। जाते टाइम भी मुझे बहुत गालियां पड़ी थी कि मैं काम कर रही थी तू चला जाता पहले ही, क्योंकि पापा काफी देर के गए हुए वहाँ पे, उन्होंने काट के रख दिया होगा। मैं तो थोड़ा अंदर म्यूजिक वगैरह बना रहा था, आपने देखा काफी देर से बैठा हुआ था, इतनी जल्दी होता नहीं है वो। तो मिलते हैं फिर आपसे घास लेने के बाद। यहाँ पे कायरा कुछ बोल रही है। हाँ जी बोलो बच्चा, अंदर डालना है? ओके डाल देता हूँ, रुक जा। देख तो इसके ये कलर तेरे को दिए किसने? ये कलर मासी। क्यों मासी को नहीं चाहिए ये? मासी पूछो। मासी क्यों दिए तूने इसको कलर? ये तेरी मासी नहीं बोलेगी, तेरी मासी इस टाइम पे बिजी है बहुत पढ़ने में। तो चलो यार ये कायरा की डब्बी पकड़ा देते हैं इसको, एंड में निकल जाता हूँ जल्दी है। पकड़ पकड़ इसको क्या? चलो ठीक है बाबा लोग, मिलते हैं आपको खेत जाकर। और यहाँ पे बाबा लोग आप देख सकते हो कि भुट्टे लगभग हो गए हैं खाने लायक, देख सकते हो
मोटे मोटे हैं इस बार, मतलब मजा आता है यार खाने का। दिल तो कर रहा है यहीं से तोड़ लूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि चोरी करना पाप होता है। वैसे चोरी करके चीज खाने में मजा ही अलग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बचपन में तो बहुत करते थे। हमारे यहाँ पे गांव में संतरे नहीं होते कहीं भी आसपास, पेड़ नहीं लगा है, सिर्फ एक दादी के घर में थे। तो मेरा घर भी उनके बिल्कुल पास ही था जो पुराना घर था। तो वहां पे हम क्या करते थे कि उस दादी को एक बंदे ने ऐसे बातों में लगा लेना, दादी ये दादी वो, और एक बंदे ने चुरा के उनके पेड़ पे चढ़ के 3-4 संतरे तोड़ लाने और मजे लेके खाने। तो वो भी बचपन के दिन कुछ अलग ही थे, और उस चीज का खाने का मजा भी अलग था, वो दिन ही कुछ अलग से थे। बट आज नहीं ऐसा करूंगा कुछ भी, आज यहाँ पे तया वगैरह कोई मिलता है तो उनसे पूछ लूंगा मैं कि मुझे भुट्टा चाहिए एक आध, क्योंकि गांव में तो आपको पता ही है कि मांग के चीज लेने से कोई भी मना नहीं करता है। जिस जिसने बचपन में चोरी करके कुछ खाया है ना, तो वो कमेंट में पक्का लिखना कि बाबा जी मैंने ऐसा किया था बचपन में। तो फाइनली बाबा जी मैं पहुंच गया खेत में, यहाँ से मुझे घास लेके जाना पड़ेगा, एंड मम्मी घास काट रहे हैं। यार मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी काटूं, बट क्या करूं यार, एलर्जी वगैरह मोटे तरीके से हो जाती है। पहले भी उस दिन मैंने एक दो बार काटा ना, तो पूरी रात नींद नहीं आई यार, खारिश कर करके ना टांगों में गंदे वाला सीन होता है। अगर वो लोग जो भी मुझे देख रहा है, अगर उनमें से किसी के पास कोई देसी जुगाड़ है जिसकी वजह से घास की एलर्जी वगैरह ना हो, तो मुझे कमेंट में पक्का लिखना यार, मैं भी वो ट्राई करूंगा। क्योंकि मेरे से नहीं किया जाता यार ये, बरसात के टाइम ना जब भी मैं खेत में भी आता हूं ना, तो पैर मेरे थोड़े थोड़े ऐसे अजीब से फिंसी खारिश कर करके ऐसे वो अजीब सा होना हो जाता है, बोल सकते हो कि सड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं बहुत कम आता हूं यार खेत में। नहा के अपने रूम में आ गया, अभी टाइम 8 बजे, और यहां पे मैं खेलने वाला हूं गेम बहुत दिनों बाद सर्वे सर्फ्स। और यहाँ पे मम्मी भी, ये भी है ना, नहीं है सवेरे उठी ना रोटी ना पानी ना फिशर। तो क्या हो गया, पहले उठना पड़े सवेल, जल्दी उठता हूँ मैं। हाँ फिर रोटी खाने का टाइम नहीं लगा, तो क्या ना इतना बिजी खा लिया। हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, चल पकड़ा घर मुड़े, पूरे पिंडे के जड़े आलस है ना तेरे पर, ये पेगी है। मेरे लेट उठने का कारण मम्मी ये है कि मैं करता हूँ रात को रैप रूप लिखने का, वो इसलिए। तो रोटी तो लगती, पता नहीं क्यों रोटी खा टाइम तो भूख लगती है। चलो कोई बात नहीं, खा लिया करूंगा टाइम से। फिलहाल मुझे गर्मी अंतर तक भूख लगती है। हाँ खा लूंगा आया मैं, बनाया गया आज। ऐसा भी कोई है सवेरे उठी है रोटी ना खावे? मैं नहीं हूँ, तो तू ही है कि नौ नौखे बनाया गया आज। दाल कौन सी? ना चने दाल भी नहीं, सब्जी। ओ नाइस, मम्मी भिंडी की सब्जी खाऊंगा आया मैं, चपाती और भिंडी की सब्जी, दाल निकलेंगे। और फिलहाल मम्मी की गाली गोली भर की, गेम खेल लेते हैं पहले एक दो, फिर निकलते हैं। गेम वगैरह खेल के अच्छा टाइम पास हो गया, किचन में चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं यार अभी। चल नहीं तू, ओहो परिवहन कार ये सब अच्छा बनाया नहीं तू, बहुत हार्ड साथ साथ में देखो। सही है नहीं तू, लगे रहे। हाँ तो मैं वही तो देख रहा हूँ, ये भी देखो साथ साथ में। वाह यार मल्टी स्क्रीन का फायदा ले रही है तू है, चला जा खाना खाते बाद में कर ले ये काम। तो आओ लो खाना वगैरह खा लिया, अभी बारी है दूध पीने की। मम्मी घी भी डाल दो मेरा ये, ठीक है। और बस मजा आ जाएगा यार, घी और दूध मजा आता है यार सच में। बट मैं फिर भी मोटा नहीं होता इतना कुछ खा पी के भी। रोटी कोई बात नहीं चलेगा, चिमड़ू ही जिसको पसंद होगा ये चिमड़ू, उसके लिए ऐसा ही चलेगा, पतला पतला ही, बाकी देखा जाएगा। चलो वहाँ लोग चलते हैं रूम में, लेते हैं दूध एंड कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पक्का सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, लव यू ऑल, जय शंकर, बाय, टेक केयर।